हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रगति और आज मैं करने जा रही हूँ बेबी ब्लू चैलेंज। तो बेबी ब्लू चैलेंज के बारे में बहुत सारे लोगों ने ऐसा माना है और बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा है कि मिरर में रात को अगर आप मिरर के सामने ऐसे जाकर करते हो जैसे आपने कोई बेबी को होल्ड किया है, तो मिरर में आपको एक लेडी हॉन्ट करती है और आपको किसी बच्चे का वजन फील होता है। तो इसके पीछे एक बहुत पुरानी स्टोरी है। तो ये स्टोरी थी डेज़ी ब्लू की, उसकी शादी एक सोल्जर से हुई थी और बाद में फिर उनका एक बच्चा भी हुआ। तो जो सोल्जर था वो एक वॉर में गया और वहीं पर शहीद हो गया। इसके बाद से डेज़ी ब्लू काफ़ी डिप्रेस्ड और सैड रहने लगी थी और जो उनका बच्चा था वो भी हमेशा रोता रहता था, बहुत रोता था उनका बच्चा। और डेज़ी ब्लू धीरे धीरे मेंटली इल होते जा रही थी, वो पागलों जैसी हरकत करने लगी थी। तो एक दिन डेज़ी ब्लू का बच्चा जब रो रहा था तो रोते रोते उसका हाथ एक कांच पे चला गया और वो कांच नीचे गिर के टूट गया। डेज़ी ब्लू ने जब ये देखा तो उसका दिमाग ख़राब हो गया था और उसने वही कांच लिया और अपने बच्चे के ऊपर वार कर दिया, जिससे उसके बच्चे की वहीं पे डेथ हो गई। और फिर पता नहीं क्या सोचा उसने और उसी कांच से अपने ऊपर भी वार कर दिया, जिससे दोनों की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो तब से ऐसा लोग मानते हैं और बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा है रियल लाइफ में कि मिरर में अगर आप ऐसे करते हो जैसे आपने किसी बच्चे को होल्ड किया है और 13 टाइम्स बोलते हो बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू या फिर ब्लू बेबी ब्लू, तो आपको एक बच्चे का वजन फील होता है। और ऐसा कहा है लोगों ने, आई डोंट नो गाइस, मुझे आपको ये स्टोरी बताते हुए मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, सॉरी। ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आपको अगर आपको बच्चे का वजन फील होने लगे तो आपको बच्चे को गिराना नहीं है। जो डेज़ी ब्लू है वो बहुत कोशिश करती है आपको परेशान करने के लिए, आपके कानों में बच्चों की रोने की आवाज़ें आती हैं, चीखने की आवाज़ें आती हैं, जिससे वो आप बच्चा गिरा दोगे। और एक बार किसी ने बच्चा गिरा दिया तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। तो मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। तो गाइस 3 बज चुके हैं और घर में एकदम अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको। मैं टॉर्च ऑन करती हूँ, देखो घर में भी सब सोए हैं। मैंने यहाँ पे कैंडल्स लगा हुआ है, बाहर की लाइट्स ऑन है और ये रहा मिरर, यहाँ पे सब सोए हुए हैं। ये भगवान किसने रखा यार, ये टेडी वैसे भी नहीं पसंद और ये मुझे मार डालेगा किसी ने, ऐसे हॉरिफाइंग फेस है यार इसकी। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं एक बार कैमरे पे फोकस कर देती हूँ। मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, बेबी ब्लू I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. तो गाइज इससे तो कुछ नहीं हुआ, अब मैं सेकेंड चीज ट्राई करने वाली हूँ। आप मुझे देख नहीं पा रहे होंगे शायद, तो मैंने ये किया तो कुछ खास नहीं हुआ, बट पता नहीं अचानक से कैसे कैंडल का फ्लेम बहुत तेज हो चुका था। मुझे पता नहीं, मेरा बहन है शायद, अजीब सी आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे। मैं सेकंड चीज़ ट्राई करने वाली हूँ जिसमें मुझे बोलना है बेबी ब्लू ब्लू बेबी, वो 13 टाइम्स बोलना है और मैं देखती हूँ कि मुझे उसमें क्या फील होता है। लेट्स ट्राई। बेबी ब्लू ब्लू बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू ब्लू बेबी, बेबी ब्लू
ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। मेरे पैर हाथ के रोंगटे अचानक से खड़े होने लगे, पता नहीं क्या मेरे मुझे कुछ I'm sorry guys, अब मुझे नहीं होगा। मुझे जो फील करना था कुछ नेगेटिव, बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, मेरे हाथ पैर पूरे कांप रहे हैं अचानक से, पता नहीं। गुड मॉर्निंग गाइज, और रात में ये सब चीज़ें हुई थी जो आपने देखा। तो क्या हुआ ना कि मैं रात में बहुत ज़्यादा डर गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा डर गई थी, और मैंने कैमरा उस टाइम बंद किया और मैं डायरेक्टली सोने चली गई थी। मुझे रात भर कल नींद नहीं आई, अजीब अजीब पता नहीं क्या क्या, मैं आँख बंद कर रही थी, मेरे सामने क्या क्या दिख रहा था, जो भी होता है यार, कि ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, कोई देख रहा है मुझे, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब फीलिंग्स आ रही थी मुझे। तो अगर आप मुझसे फाइनली आप पूछो कि यार तूने जब ऐसे कुछ बच्चा होल्ड किया तो तुम्हें वजन फील हुआ या नहीं हुआ, तो उसका आंसर है नहीं। और तुम्हें किसी लेडी ने आके हॉन्ट किया या नहीं, तो उसका भी आंसर है नहीं। सिंपली आंसर नहीं है, क्योंकि यार देखो मुझे डर लगा, मुझे कोई शैडो टाइप का फील हुआ, और मतलब पता है क्या, मुझे पर्सनली मुझे पक्का पता है वो सिर्फ मेरा वहम होगा, और पता नहीं क्यों कैंडल की फ्लेम्स बुझ रही थी, कभी तेज हो रही थी, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो आई थिंक वो उससे रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मुझे बहुत डर लगा, क्योंकि यार आपको ऐसे पीछे मुड़ के देखो रात के 3 बजे अकेले जब घर में आपके सब सोए हैं और आपको कुछ शैडो टाइप का फील हो तो डर लगता है। लेकिन जो मेन पॉइंट था इस वीडियो का कि आपको एक बच्चे का वजन फील होता है, तो वैसा कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड कुछ फील नहीं हुआ मुझे। और आप सबकी फरमाइश थी कि कोई हॉरर चैलेंज करो, तो मैंने अपनी जान पे खेल के आपके लिए ये किया है। तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कर दो यार इस वीडियो को, क्योंकि रात को मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे साथ क्या हुआ, ओके। लेकिन थोड़ा बहुत मज़ा भी आया, न्यू एक्सपीरियंस था, लाइफ में हर चीज़ ट्राई करना चाहिए। सो आई होप आपको पता चला, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये होता है या नहीं होता है, तो मेरा ओपिनियन ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस हाँ मतलब रात में ये सब चीज़ें करोगे तो आपकी फटेगी ही, तो वही मेरा हाल हुआ था, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ये सब चीज़ें आप मत ट्राई करो, इसलिए मैंने ये सब ट्राई किया अपने ऊपर। सो ओके, सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय गाइज। गाइज मुझे बचा, मुझे बचा। यार मैं मजाक कर रही थी, कैसा लगा मेरा मजाक, मैं इतनी बड़ी चुड़ैल हूँ, मुझे कौन सी चुड़ैल लेके जाएगी।